हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि साइंस से रिलेटेड जो हमारे कंपटीशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस सेशन में प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन किया जाता है किसमें? माइक्रोलॉजी में। सिक्कों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। नेक्स्ट आपका है माय डियर सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है? तो हैदराबाद में अवस्थित है। नेक्स्ट है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? अवतल दर्पण है। नेक्स्ट है माय डियर आपका, द्रव्य अपेक्षित घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। नेक्स्ट है माय डियर आपका, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है उत्तल होगा। फोटोग्राफिक्स कैमरे का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट आपका माय डियर देखेंगे तो वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से। भूकंप मापी किस यंत्र मापी जाती है? तो सिस्मोग्राफ से नापी जाती है। नेक्स्ट माय डियर आपका है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। मानव रेटिना पर बिना प्रतिबिंब होता है मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। नेक्स्ट माय डियर आपका है, जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी अनंत। नेक्स्ट माय डियर आपका, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का। वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है किससे माप की जाती है? आपका बैरोमीटर से। नेक्स्ट आपका है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है लेंस और प्रकाश के केंद्र के। अमोनिया गैस बनाने के हैबर विधि किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? लौह चूर्ण का। रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? स्फिग्नोमीटर से। नेक्स्ट आपका है माय डियर, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? अप्सरा। नेक्स्ट माय डियर आपका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई? 1972 में। नेक्स्ट माय डियर आपका, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? ट्रांबे में। होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? हैनी मैन थे। नेक्स्ट माय डियर आपका, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। लॉपिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट, मधुमेह का कारण इंसुलिन की कमी से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन को। नेक्स्ट माय डियर आपका, प्लाज्मोडियम का पता किसने लगाया? लेवरन ने। ऑक्सीजन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? लेविसिए ने। नेक्स्ट आपका, जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्र में। भारी जल एक प्रकार का मंदक है। नेक्स्ट आपका है माय डियर, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? 20 दांत। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। नेक्स्ट है आपका, आलू क्या है? तो आलू तना है। प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी जल में। नेक्स्ट आपका है, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की? विक्टर हेस ने। समुद्री जलक का पीएच मान कितना होगा? 4 होगा। नेक्स्ट माय डियर आपका, विटामिन डी की खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने। विटामिन के नाम शब्द की खोज किसने की? फंक ने। नेक्स्ट माय डियर आपका, द्रव्य धातु तत्व कौन सा है? पारा अधातु ब्रोमीन। पानी का प्रवणतांक कितना होता है? 33। नेक्स्ट आपका देखेंगे माय डियर, निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस। बच्चों के लिए लिंग निर्धारित के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स होता है पिता का। नेक्स्ट है माय डियर, टिक्का रोग संबंधित है मूंगफली से। लीची को खाने योग्य भाग होता है एरिल। नेक्स्ट है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। नेक्स्ट आपका, आकाश में सबसे चमकदार तारा है साइरस। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। नेक्स्ट है माय डियर, पावोक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का। नेक्स्ट है माय डियर आपका,
मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितने समय लगता है? 8 सेकंड लगता है। नेक्स्ट हमारे डियर आपका, शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज, बल का सीजीएस मात्रक होता है 2.5। नेक्स्ट देखेंगे, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो ये थे हमारे माय डियर कुछ साइंस के बहु उपयोगी प्रश्न। आई होप आपको ये पसंद आया होगा और महत्वपूर्ण भी लगा होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे ऐसे ही एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। बने रहिए हमारे चैनल द अल्फा स्टडी के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।